गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं जा रहा था अपने फ्रेंड के वहाँ पे अकेले, तो मेरे फ्रेंड्स लोग ने बोला हम लोग भी आएंगे तेरे साथ। वहाँ पे बाजू में एक वनकपुरी डैम है, वो देखना है हमें। पानी थोड़ा छोड़ा है उधर, और गुजरात की सबसे अच्छी डैम में से एक है वो वनकपुरी डैम। और पहले तो जाना पड़ेगा बाइक वॉश करवाने, क्योंकि बाइक बहुत गंदी हो चुकी है। और पहले बाइक वॉश करा के फिर निकलेंगे हम लोग वहाँ जाने के लिए डैम के पास। वो यहाँ हम लोग के घर से अराउंड 30 किलोमीटर दूर है, तो मैक्सिमम 35-40 मिनट्स में पहुँच जाएंगे हम लोग। एंड थैंक यू सो मच गाइस प्रीवियस वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए। वो वीडियो मैंने काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद डाला था और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, मुझे इतनी उम्मीद भी नहीं थी। आई होप मेरा कैमरा का एंगल परफेक्ट हो। मैंने ऐसे आज चेक तो नहीं किया है, क्योंकि जल्दी जल्दी में निकलना पड़ा। सुबह जाने का सोचा था पर सबने बोला शाम को जाते हैं, अच्छा व्यू रहेगा। और अभी थोड़ा वेदर भी ठीक है, सुबह बहुत गर्मी थी आज। You've watched me break a thousand times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Giving a warning, I'ma leave without giving a, giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. पूरे गुजरात के सबसे शांत वाला हाईवे ये है। बाकी वडोदरा हाईवे NH8 पे चल जाए तो सबसे बिजीएस्ट हाईवे है वो अभी तक का। और ये एकदम खुला हाईवे, कोई जात की यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, बिल्कुल एकदम शांत। बस यहाँ के रोड बहुत ख़राब है, बीच बीच में एकदम खड्डे बहुत ज़बरदस्त आ जाते हैं बीच में, तो इसलिए बहुत ध्यान से चलाना पड़ता है ये हाईवे पर। और
बाय द वे मैं जिस फ्रेंड को मिलने जा रहा हूँ उसका नाम ब्रज है, और एक्चुअली मैं उसने ही मेरा GoPro परचेस किया था। मैं एक दिन वो जहाँ गया था घूमने के लिए आनंद, तो वहाँ पे एक अकेला ही GoPro 7 का स्टॉक था। तो मैं उस दिन घर पे था, तो मैंने अपने पापा को पूछा, तो पापा ने बोला ऐसा लेना हो तो मंगवा ले उससे। अभी तक उसको पैसे भी नहीं दिया, उसको पैसे ही देने जा रहा हूँ मैं GoPro का, क्योंकि ये 7 days बहुत बिजी थे, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता था घर पे, और कॉलेज की एग्ज़ाम्स थी इंटरनल वो भी थी, इसलिए अभी देने जा रहा हूँ उसको पैसे, और उसी बहाने वहाँ पे घूम के भी आ जाऊँगा। और संडे को बहुत दिन के बाद बाहर घूमने का मौका मिला है आज। बाकी पूरा लॉकडाउन का संडे तो घर में ऐसे फ्री ही बैठे हैं। चलिए आपको अब मैं वहाँ पे वणकपुरी जाके ही मिलता हूँ, और अब तक आप हाईवे का व्यू एंजॉय करिए। वैसे तो वणकपुरी जाने का अलग रास्ता है, पर ये मेरा फ्रेंड के गांव से शॉर्टकट रास्ता है, वहाँ से जा रहे हैं हम लोग। आगे जाके मेरा फ्रेंड भी हम लोग को ज्वाइन हो जाएगा और वो हमें लेके जाएगा, क्योंकि मैंने वो रास्ता देखा नहीं है अभी तक। ये रास्ता मैंने देखा है उसके गांव तक का, और ये यहाँ पर बहुत एकदम शांत वातावरण है। ये बाजू में ये जो झाड़ वाड़ है, पेड़ है, जहाँ यहाँ पर कैनाल है एकदम, और रात को बहुत संभलना रहता है यहाँ पर, क्योंकि जानवर घूमते रहते हैं यहाँ पर ऐसे ही। Can we just I'm not afraid to die.
ये स्टेयर्स जितना लग रहा है उतना इजी नहीं है, बहुत स्टीप स्टेयर्स है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे फ़ोटो सेशन करने। बिल्कुल पानी नहीं, अब तो एकदम खाली हो चुका है। मुझे तो लगा थोड़ा पानी होगा, पर सी अच्छा है, पानी होता तो नीचे आ भी नहीं सकते थे। और लोकेशन देखिए यार, बहुत गजब का लोकेशन है, एकदम क्लासिक लग रहा है एकदम। पर ये मेरा फ्रेंड जिंकल है, वो नीचे ले जा रहा है, उसे रास्ता पता है, क्योंकि हमें पता नहीं है इधर नीचे कहाँ जाना है। सो गाइस घर पे पहुंच चुका था। सो रिटर्न में ब्लॉग नहीं किया क्योंकि जो लोकेशन से गया वही लोकेशन से आया, तो दिखाने जैसा कुछ था नहीं। और ये वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना, सो अगले वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करना, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टिल देन बाय, टेक केयर, और मिलते हैं कोई अच्छे से मोटो ब्लॉग में।